देन नेक्स्ट क्वेश्चन दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी वेर डिड मौसी गो इन आफ्टरनून आंसर दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी She used to go to the school gate every afternoon. Then मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी What did aunt feed the children? Answer मौसी बच्चों को चने टिकिया और मूंगफली खिलाती थी। नेक्स्ट मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? आंसर मौसी? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सोना सोना लगता था विदाउट द आंट द होल एरिया लुक्ड लोनली देन भाग कर क्या उठा ले आए वॉट डिड ब्रॉट आंसर लड़के भाग कर खाट उठा ले आए खाट कॉट अ टाइप ऑफ बेड सो दॉयस ब्रॉट कॉट देन नेक्स्ट बच्चों ने हेडमास्टर से क्या बिन्नती की वॉट डिड द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड हेडमास्टर आंसर बच्चों ने हेडमास्टर से मौसी को स्कूल में काम देने की की। के जीवन में कैसे दिन लौट आए वॉट टाइप ऑफ डेज केम बैक इन मौसी लाइफ आंसर मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए गुड डेज केम बैक इन मौसी लाइफ देन नेक्स्ट मैंने दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए आंसर इन टू टू थ्री सेंटेंस फर्स्ट क्वेश्चन इज मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी टाइप ऑफ स्टोरीज डिड आंट टेल टू आंसर मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी काट के घोड़े की कहानी विरोचित कहानी आदि सुनाती थी शी यूज टू टेल स्टोरीज ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड ऑल्सो फेरी टेल्स टू दिल्ड्रेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मौसी को कहा ढूंढते हैं वेर डिड चिल्ड्रन सर्च मौसी आंसर जब मौसी स्कूल के बाहर फाटक पर नहीं दिखाई दी और नीम के पेड़ के पास भी नहीं मिली तब बच्चों ने हर जगह मौसी को खोज करना शुरू किया see, भ, see when did not see मौसी नियर नियर दूल गेट एंड नियर दीम ट्री देन देर एवरीवेयर Then next question, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज सुनाई दी What did children hear behind the closed doors? Answer, मकान के अंदर से बच्चों को ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी जैसे कोई मौसी को चिल्ला रहा हो हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी बीस दिन से तुम यहां हो अब किसी दूसरे के घर चली जाओ so what the children heard, they heard loud voice shouting at mousi that we have not taken the responsibility of you. from past 20 days you are here. now move to some other place. we have not taken the contract to look after you. okay, so uh, someone was uh, shouting to mousi like this. then next question, ko gussa aaya? why did children become angry? answer? बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा उनके बाल उलझे और चेहरा सूखा था जिसके कारण उन्हें गुस्सा आया सो व्हाई चिल्ड्रन बिकम एंग्री एट दैट टाइम बिकॉज़ व्हेन दे व्हेन दे सॉ मौसी इन अ बैड कंडीशन दे गॉट एंग्री हर हेयर्स वेर टैंगल्ड फेस वर ड्राई एंड शी वाज इन वेरी पुअर कंडीशन सो द चिल्ड्रन दे फेल्ट वेरी एंग्री देन नेक्स्ट मेन इज तीन चार वाक्य में उत्तर लिखिए आंसर इन थ्री टू फोर सेंटेंसेस फर्स्ट क्वेश्चन मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई वॉट कॉन्वर्जेशन डिड मौसी एंड चिल्ड्रेन हैड आंसर बच्चों ने मौसी से पूछा तू इतने दिन कहाँ थी यहाँ क्यों बैठी हो मौसी ने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा बलदेव ने पूछा तू तो बीमार थी तबीयत कैसी है उसने जवाब दिया बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्चों ने कहा हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे सी सो वन बाय वन ऑल द किड्स दे स्टार्टेड पुटिंग क्वेश्चन टू मौसी वन चाइल्ड आस्क्ड फ्रॉम सो मेनी डेज वेयर वेयर यू मौसी एंड व्हाई आर यू सिटिंग हियर देन बलदेव अनदर चाइल्ड ही आस्क्ड यू वर नॉट वेल हाउ इज योर हेल्थ नाउ

बच्चे भागकर दुकान से एक खाट ले आए और उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया उस खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया ले आया उषा थाली में दो रोटियां लाई योगराज कटोरे में दूध लाया गोपाल घर से लैंप लाया बलदेव अपने पिता को बुलाकर ले आया जो डॉक्टर थे

kanhaiya brought carpet and pillow from his house then usha uh, she brought two chapatis in a plate and yograj he brought milk in a bowl gopal brought lamp from his house and, uh, and baldev's father was a doctor so he called his father from clinic by saying mausi is not well come and see her so like this way children tried their best to help mausi in whatever way they could okay

की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए हेडमास्टर ने बच्चों की बात मान ली और मौसी को रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और मोहल्ले का चक्कर काटती लोगों के हालचाल पूछती रात में चैन से अपने कमरे में सांस लेती इस तरह बच्चों के प्रेम से मौसी के जीवन में खुशी लौट आई See, uh, so children what they did uh, they went to the headmaster and requested him to give some work to mousy in school then the headmaster he also accepted the request and uh, and he also provided her with a room to stay so mousy was give uh, so mousy was again seen in the school campus telling stories to children and helping people uh, in ways she could

Uh, this father-in-law. Yes. And pati or patni ki mata. Husband or wife's mother is mother-in-law. Then bete ki patni. Your son's wife is daughter-in-law. Is bahu. Beti ka pati. Your daughter's husband is damad. Son-in-law. So like this you have to see the relationship and right. देन नेक्स्ट मैंने इज नमूने के अनुसार लिखिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल यू हैव टू राइट हियर एग्जाम्पल इज कहानी कहानिया सो so, हियर या शुड बी एडेड लड़की लड़किया कोठरी कोठरिया पहली पहलिया ओके देन नेक्स्ट उदाहरण इज माला माला ए हियर ए शुड बी एडेड माता माताए दिशा दिशाए घटना घटनाए द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बात बातें शुड बी एडेड ओके लाइक ते ए आंख आंखे दरार दरारे दुकान दुकाने ओके सो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व क्स्ट मेन इज बिलोंग शब्द के जोड़े बनाइए सी इन योर टेक्स बुक फ्यू वर्ड्स आर गिवन यू हैव टू चूज विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ वॉट वर्ड ओके क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग इज गिवन देर यू हैव टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन एंड राइट आंसर लेट सी गलत सही रॉन्ग राइट देन सुख दुख हैपी सैड छोटा बड़ा स्मॉल बिग खुशी गम प्लेजर सोरो बहुत कम मोर लेस रात दिन नाइट डे अपना पराया नीचे ऊपर ओके देन नेक्स्ट मैंने इस पर शब्द लिखी है इट मीन्स सिनोनिम Synonym okay, same meaning but different words. Paid here, paid means tree. So, what tells you can uh, write for paid? Vruksh jhad okay, it means same meaning will be same but words will be different. Then, ghoda, ghoda means horse. We also call uh, we, we also call ghoda as ashv turang. दूध दूध मीन्स मिल्क पच शीर देन पानी पानी मीन्स वॉटर जल नीर घर घर मीन्स होम मकान निवास औरत औरत मीन्स लेडी स्त्री महिला देन नेक्स्ट मैंने सार्थक वाक्य बनाइए हियर यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस सी हियर क्वेश्चन इज गिवन सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी के डिड यू अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न नो बिकॉज हियर वर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली अरेज सो यू हैव टू अरेज दर्ड्स प्रॉपरली सो दैट यू विल गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस सो हाउ इट विल बी मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी थी नाउ यू अंडरस्टैंड वॉट इट इज रिटर्न सो लाइक दिस यू हैव टू फ्रेम देंटेंस प्रॉपरली

दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे next day, they were returning after playing मैच. Then, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई मुन्नी ब्रॉट वॉटर टू तो ड्रिंक देन नेक्स्ट मैंने इस कन्नड़ में अनुवाद कीजिए हियर ऑप्शन इज नॉट गिवन सी समाइम्स

उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे यल्लरु ಅವರಿಗೆ मौसी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ मौसी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ بچوں کے لیے تو وہ સેવા کی ಮೂರ್تی تھی ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು नालक ने प्रश्न सबके घरों में झांक कुशल शेम पूछती थी यल्लर मन कुशल शेम वन्नु I repeat, मने या कुशल शेम शेम वनु बिचारी सुट इट देन नेक्स्ट मैंने इस नमूने के अनुसार लिखिए seeing द example यू हैव टू राइट See example is dud. Dud means milk. So what you get from milk? Dahi, malai, mithai, ghee. Okay, from milk you get curd, sweet, butter, and um, ghee. So like this way you have to write. Here first one is paid. Paid means tree. What you get from tree? You get flowers, fruits, leaves. Oxygen, rain, yes. So all those things you have to write. Full, phal, patte, oxygen, barish. Then next, sona. Sona means gold. What you get from gold? Gehne. Gehne means jewelry. Then full. Fool means flower. From uh, from flower, what you get? You get fragrance, honey, then atar, khushboo, shahed, itra, ras.

what your teachers and parents tell you to do and what they tell not to do Do's and don'ts that you have to write so in one box what you have to do and in other box what you uh, what you should not do so what you have to do you have to study Parnahe, you have to study likhna you have to write sunna you have to listen and what you should not do alas alas means laziness you should not be lazy jhagda means fighting quarreling you should not fight with each other and buribate buribate means uh, talking bad about others so these are the bad habits so you should not do and good habits you should do so here i have completed all the means of this chapter I hope this video was useful. If you like it and if you want more such videos, then do not forget to hit the like button, share, and subscribe my channel. Thank you. Till then, take care.